चलिए आज बॉलीवुड के सबसे सक्सेसफुल डायरेक्टरों में से एक मनमोहन देसाई की सभी फिल्मों की लिस्ट देखते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ। वैसे मनमोहन देसाई जी अपनी मांस मसाला मूवीज के लिए जाने जाते हैं, ये कई सारी हिट फिल्में बना चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लाइक का बटन दबा दीजिए। मनमोहन देसाई 1960 में आई फिल्म छलिया फिल्म से अपने डायरेक्टर करियर की शुरुआत किए थे। इस फिल्म के लीड कास्ट में राज कपूर, नूतन, प्राण, रहमान शामिल थे। ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से एक एवरेज फिल्म रही थी। नंबर दो पे 1963 की ब्लफ मास्टर, इस फिल्म को भी मनमोहन देसाई डायरेक्ट किए थे। इस फिल्म के लीड कास्ट में शम्मी कपूर, सायरा बानो, प्राण, ललिता पवार शामिल थी। कलेक्शन के हिसाब से मनमोहन देसाई की दूसरी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। नंबर तीन पे 1966 की बत्तमीज, इस फिल्म को भी मनमोहन देसाई डायरेक्ट किए थे। इस फिल्म की लीड कास्ट में शम्मी कपूर और साधना शामिल थी। ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से एक हिट फिल्म साबित हुई थी। नंबर चार पे है 1968 की किस्मत, इस फिल्म के लीड कास्ट में विश्वजीत, बबीता, हेलेन, कमल मेहरा शामिल थे। ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से एक एवरेज फिल्म साबित हुई थी। नंबर पांच पे 1970 की सच्चा झूठा, ये फिल्म एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिस फिल्म को डायरेक्शन मनमोहन देसाई जी दिए थे। इस फिल्म के लीड कास्ट में राजेश खन्ना, मुमताज, विनोद खन्ना शामिल थे। ये फिल्म ने दुनिया भर से 5,50,00,000 का कलेक्शन करके ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट फिल्म रही थी। नंबर छह पे 1972 की रामपुर का लक्ष्मण, ये फिल्म एक रोमांस और ड्रामा फिल्म थी जिस फिल्म के डायरेक्टर मनमोहन देसाई थे। इस फिल्म के लीड कास्ट में रणधीर कपूर, रेखा, शत्रुघ्न सिन्हा शामिल थे। ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से एक हिट फिल्म साबित हुई थी। इसी साल मनमोहन देसाई की भाई हो तो ऐसा फिल्म भी आई थी। इस फिल्म के लीड कास्ट में जितेंद्र, हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा शामिल थे। ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से एक सेमी हिट रही थी। नंबर आठ पे 1973 की आ गले लग जा, ये फिल्म एक रोमांटिक फिल्म थी जिस फिल्म के डायरेक्टर मनमोहन देसाई थे। इस फिल्म के लीड कास्ट में शशि कपूर, शर्मिला टैगोर, शत्रुघ्न सिन्हा शामिल थे। ये फिल्म 3 करोड़ का कलेक्शन करके ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई थी। नंबर 9 पे 1974 की रोटी, ये फिल्म के भी डायरेक्टर मनमोहन देसाई थे। ये फिल्म एक एक्शन फिल्म थी जिस फिल्म के लीड कास्ट में राजेश खन्ना और मुमताज शामिल थी। ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई थी। नंबर 10 पे 1977 की परवरिश, ये फिल्म एक क्राइम ड्रामा फिल्म थी जिस फिल्म के डायरेक्टर मनमोहन देसाई थे। इस फिल्म के लीड कास्ट में शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, नीतू सिंह, समाना आजमी, कादर खान, अमजद खान शामिल थे। इस फिल्म ने इंडिया से 3,75,00,000 का कलेक्शन की थी। वहीं इस फिल्म ने दुनिया भर से 6,50,00,000 का कलेक्शन करके ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट फिल्म रही थी। 1977 में ही डायरेक्टर मनमोहन देसाई की धर्मवीर भी आई थी। ये फिल्म एक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसके लीड कास्ट में धर्मेंद्र, जितेंद्र, जीनत अमन, नीतू सिंह, प्राण शामिल थे। ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। वैसे इस फिल्म ने इंडिया से 6,75,00,000 का कलेक्शन की थी। वहीं इस फिल्म ने दुनिया भर से 13 करोड़ का शानदार कलेक्शन करके दिखाई थी। 1977 में मनमोहन देसाई की चाचा भतीजा फिल्म भी आई थी। ये फिल्म एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिस फिल्म को सलीम और जावेद लिखे थे। वहीं फिल्म को डायरेक्शन मनमोहन देसाई दिए थे। इस फिल्म की लीड कास्ट में धर्मेंद्र, रणधीर कपूर, रहमान, हेमा मालिनी शामिल थी। ये फिल्म ने इंडिया से 3,50,00,000 का कलेक्शन की थी। वहीं इस फिल्म ने दुनिया भर से 7 करोड़ का कलेक्शन करके ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट फिल्म रही थी। 1977 में ही मनमोहन देसाई की अमर अकबर एंथनी फिल्म आई थी। इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों मनमोहन देसाई थे। इस फिल्म के लीड कास्ट में विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, अमिताभ बच्चन, नीतू सिंह, परवीन बाबी, समाना आजमी, निरुपा रॉय, प्राण शामिल थे। इस फिल्म ने इंडिया से 7,25,00,000 का कलेक्शन की थी। वहीं इस फिल्म में दुनिया भर से 15,50,00,000 का शानदार कलेक्शन करके ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी। वैसे 1977 में मनमोहन देसाई की टोटल 4 फिल्में आई थी और चारों की चारों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट गई थी। वैसे आप सभी लोगों को ये चारों फिल्मों में से कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है आप सभी को लिखकर बताना है कमेंट सेक्शन में। नंबर 14 पे 1979 की सुहाग, ये फिल्म एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिस फिल्म के डायरेक्टर मनमोहन देसाई थे। इस फिल्म की लीड कास्ट में शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, रेखा, परवीन बाबी शामिल थी। ये फिल्म ने इंडिया से 5 करोड़ का कलेक्शन की थी। वहीं इस फिल्म ने दुनिया भर से 10 करोड़ का कलेक्शन करके ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक हिट रही थी। नंबर 15 पे 1981 की नसीब, ये फिल्म एक मसाला फिल्म थी जिस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मनमोहन देसाई थे। इस फिल्म की लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, ऋषि कपूर, हेमा मालिनी, रीना रॉय
में शामिल थी। इस फिल्म ने इंडिया से 7 करोड़ 25 लाख का कलेक्शन की थी। वहीं इस फिल्म ने दुनिया भर से 14 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन करके ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक हिट रही थी। नंबर 16 पर 1982 की देश प्रेमी, इस फिल्म को भी डायरेक्शन मनमोहन देसाई दिए थे। इस फिल्म के लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, नवीन निस्कुल, परवीन बाबी, उत्तम कुमार, शम्मी कपूर शामिल थे। ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। नंबर 17 पे 1983 की कुली, ये फिल्म एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिस फिल्म के डायरेक्टर मनमोहन देसाई थे। इस फिल्म के लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, रति अग्निहोत्री, सोमा आनंद, कादर खान दिखाई दिए थे। ये फिल्म पूरी दुनिया भर से 18 करोड़ का शानदार कलेक्शन करके ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट फिल्म रही थी। नंबर 18 पर 1985 की मर्द, इस फिल्म के भी डायरेक्टर मनमोहन देसाई थे। इस फिल्म के लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन के साथ अमृता सिंह दिखाई दी थी। इस फिल्म ने इंडिया से 8 करोड़ का कलेक्शन की थी। वहीं इस फिल्म ने दुनिया भर से 16 करोड़ का कलेक्शन करके ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट मूवी रही थी। नंबर 19 पर 1988 की गंगा जमुना सरस्वती, ये मनमोहन देसाई की ऐसा डायरेक्टर आखिरी फिल्म थी। इस रोमांटिक एक्शन फिल्म में अमिताभ बच्चन, मीनाक्षी सेसाद्री, जया प्रदा, मिथुन चक्रवर्ती, निरूपा रॉय, अमरीश पुरी दिखाई दिए थे। ये फिल्म कलेक्शन के हिसाब से बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। 1989 में आई फिल्म तूफान और 1993 में आई फिल्म अनमोल फिल्म को मनमोहन देसाई जी प्रोड्यूस किए थे। ये दोनों फिल्मों को इनके बेटे केतन देसाई डायरेक्ट किए थे। दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कलेक्शन की थी। तो ये थी डायरेक्टर मनमोहन देसाई की सभी फिल्मों की लिस्ट। तो आप सभी लोगों को मनमोहन देसाई की कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, आप सभी को लिखकर बताना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।